Okay, so Ankit, probably the most surprising, non-expected eviction of this season. सबसे पहले तो बोलना चाहूंगी कि आपने एक स्टेटमेंट दिया था, आप स्टेटमेंट की वजह से काम चल रहा है, बट वो स्टेटमेंट ये था कि जरूरी नहीं कि हर बार जो एविक्शंस होते हैं वो फैंस के बेस पे, वो मेकर्स अपना डिसीजन लेते हैं, अपने हिसाब से टटोलते सिचुएशन को फिर एडिट करते हैं. वो टाइम पे मेकर्स ने, सलमान ने सबको कहा था कि ऐसा नहीं होता है. एंड ताजुब की बात ये कि आपका एविक्शन वैसा ही हुआ जैसे आपने वो स्टेटमेंट किया था. व्हाट डू वांट टू से ऑन दिस थिंग? थोड़ा सा अनफेयर लगा कि एविक्शन घर वालों के हाथ में दिया. और जब ये अनाउंस किया बिग बॉस ने कि इस बार के एविक्शन वोटिंग लाइंस बंद थी और इस बार के एविक्शन घर वालों के वोट्स के आधार पे होंगे, तो आई वाज प्रीटी श्योर कि मुझे ही जाना है, क्योंकि पूरे सारे घर वाले मेरे और प्रियंका के अगेंस्ट हैं और हम दोनों को ही टारगेट किया हुआ है. तो आई वाज प्रीटी श्योर कि अब मैं जाऊँगा. आपने शायद वो एपिसोड अब देखेंगे आगे जाके कि देयर वाज अ मोमेंट जब मंडली के जितने भी लोग थे उन्होंने कहा था कि अब इस दूल्हे को तो बाहर निकालना है, एंड पूरा वैसे ही हुआ, ठीक है, जैसे उन्होंने प्लान किया था. व्हाट इवन, या थोड़ा ज्यादा बुरा इसलिए लगता है कि फैन के हाथ से होता है, कोई और रीजन से होता है, डिफरेंट बात है, बट जो मंडली चाहती थी इवेंचुअली वो हो गया. नहीं, एक्चुअली इट्स अ गुड थिंग. उन लोगों ने प्लान करके ऐसे जो भी टारगेट किया, इट्स अ गुड थिंग. एटलीस्ट ऑडियंस को उनकी सच्चाई, उनका रियल सेल्फ जो देखने को मिला है, जो अभी तक 12 हफ्ते में शायद नहीं मिला था. तो आई थिंक एक अच्छी बात इससे ये भी है कि ये समझ आ गया है कि प्रियंका कितनी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है. ये लोग उससे इतना डर गए हैं कि उसको टारगेट करने के लिए सारे घर को एक साथ होना पड़ा, मंडली को पलटन में बदलना पड़ा. तो कहीं ना कहीं उन्हें ये डर है और ये बात जानते हैं कि प्रियंका विनर है इस शो, इस सीज़न की. तो इट्स अ गुड थिंग एंड आई ऑलवेज वांटेड प्रियंका टू विन, तो आई एम वेरी हैप्पी. अच्छा, प्रियंका की बात चली रही है तो सबसे पहले तो ये कि अंकित, जब तक पूरे सीजन में आप रहे, जब तक घर में, तब तक ये बातें हुई कि प्रियंका जो है वो डोमिनेटिंग है, ठीक है, जो वो कहती है वो आपको करना पड़ता है. और एक बार वीकेंड का वार में आपने भी सलमान सर के सामने सच किया था, और सौंदर्या के साथ भी आपकी बात हुई थी, तब भी आपने ये बात कही थी कि गेम के अलावा और कोई बात नहीं होती है. तो आपसे हम जानना चाहेंगे, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज करो आप बीमार पड़ गए हो और आपकी मॉम ने बोला कि बाहर खेलने नहीं जाना, ठीक है, आपको रेस्ट करना है आज, तो क्या वो डोमिनेशन है? वो एक केयर है. मैं गेम में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं था, और प्रियंका को इतनी केयर है मेरी कि उसने बहुत कोशिशें की कि मैं गेम में किसी तरह इन्वॉल्व हूँ, कुछ तो मैं एक्चुअली करूँ. जिसको लोगों ने एज डोमिनेशन देखा, विच वॉज केयर. और जब सौंदर्य वाली बात थी, वो इस कॉन्टेक्स्ट में थी कि मेरे और प्रियंका का झगड़ा हुआ था और उसके बाद हम लोग 3 दिन तक बात नहीं कर रहे थे. प्रियंका की तबीयत उस टाइम पे काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो सौंदर्य मेरे पास आई और उसने बोला कि प्रियंका की तबीयत ठीक नहीं है, वो काफ़ी एग्जॉस्टेड है, एंड आई थिंक उसको थोड़ा सा ईज आउट करने की ज़रूरत है, आप उससे बात करो, आप उसको समझाओ. क्योंकि उस टाइम पे प्रियंका बहुत कोशिश करती थी कि मैं किसी तरह गेम में इन्वॉल्व हो जाऊँ, किसी तरह किसी मुद्दे पे बोलूँ. तो मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में सौंदर्य को बोला था कि यार अभी मैं उसको कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो अभी मैं कुछ भी बोलूँगा वो मुझे गेम में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगी, और इसीलिए मैंने बोला था कि वो सारे टाइम गेम की बात करती है और मैं कुछ बोलूँगा कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो अंकित, आपको घर वालों ने तो षड्यंत्र बना के बाहर निकाला, लेकिन फैंस की बात करें तो फैंस का अलग ही रिस्पॉन्स है. जैसे ही आप घर से बाहर निकलने की खबर आई फैंस के पास, तो फैंस ने ट्वीट पे ट्वीट करना चालू कर दिया, और नो अंकित नो बिग बॉस ट्वीट जो है वो इस वक्त 1 मिलियन से भी ज्यादा ट्रेंडिंग पे है. उस पर क्या कहना चाहिए? ये मुझे बस अभी अभी पता चला है कि इतना बड़ा कुछ हो रहा है. I just want to say that I'm really thankful and really grateful for all the support and love जो भी मुझे मिल रहा है. दिल से, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि ये चैप्टर यहाँ पे हो गया है ख़त्म. Now let's focus on the bigger things. अच्छा अंकित, प्रियंका का जब लेटर आया तो आपने एक बात कही थी कि प्रियंका की मम्मी के आप फेवरेट हैं, लेकिन पापा को अभी पटाना है, तो क्या वो हिंट दे रहे हैं आप शादी का कुछ? नो, एक्चुअली उस टाइम पे प्रियंका को चांस नहीं मिला था अपना लेटर पढ़ने का,
एंड उसको चेयरअप करने के लिए मैं उसकी चिट्ठी अपने तरफ से बना के पढ़ रहा था, तो वो थोड़े से फन मोमेंट्स थे ताकि वो थोड़ा सा स्माइल करे, थोड़ी सी खुश हो जाए। तो मैं, ये अपनी दोस्ती है, थोड़ा सा टीज है, एक दूसरे को हम करते रहते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और सवाल है आपके लिए कि प्रियंका दंगे की चोट पे बोलती कि हाँ वो आपसे प्यार करती हैं, आपके लिए प्यार है उनके मन में, लेकिन आपने कंटिन्यू कहा है कि आपको, आप शादी के बारे में नहीं सोच रहे, आप रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन अभी आप थोड़ा दूर हुए उनसे, क्या लग रहा है अभी, क्या होने वाला आगे, क्या फ्यूचर स्टेटस क्या होगा? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि दूरियाँ बढ़ने से जो दोस्ती होती है, जो प्यार होता है, वो कम नहीं होता। और कुछ ऐसा है नहीं कि हम लोग बहुत दूर हो गए हैं। 7 हफ्ते की बात है, 7 हफ्ते में वो शो जीत के बाहर आ जाएगी, हम लोग मिलेंगे और पहले जैसे ही दोस्त रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन अंकित, अभी ये बोला जा रहा है बिकॉज ऑफकोर्स प्रियंका स्ट्रॉन्ग है, बट आप उनके बहुत बड़े इमोशनल यू नो सपोर्ट सिस्टम थे, अब ऐसा कहा जा रहा है कि अब क्योंकि आप बाहर आ गए हैं, या तो उनकी गेम बहुत ही अच्छी जाएगी अगर आपके बिना भी वो उतनी स्ट्रॉन्ग रही, और अगर वो लो पड़ गई तो शायद बहुत बुरी हो जाएगी गेम। व्हाट डू यू थिंक कि अब प्रियंका को गेम कैसा खेलना चाहिए, आपको यकीन है कि वो ऐसा ही खेलेंगी? मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ कि अभी तक शायद प्रियंका की गेम कहीं ना कहीं दबी हुई थी मेरी वजह से, क्योंकि मैं बहुत जगह उसको शांत करा देता था, चुप करा देता था, बोल देता था ये छोटी बात है, चल इसको छोड़ देते हैं। बट अभी जो उसने भी देखा और मैंने भी देखा कि कैसे ये मंडली पलटन में बदल के टारगेट कर रही है, अब तो वो घायल शेरनी बन जाएगी, पूरे घर को सर पे उठा लेगी। अच्छा, अगर आपकी फ्रेंडशिप की बात करें साजिद खान के साथ में, तो काफ़ी हमने देखा है कि फ्रेंडशिप आप दोनों ने निभाई है, लेकिन उसके बाद अभी 2-3 एपिसोड पहले हमने देखा ऐसी कुछ चीज़ें हुई जिस पर आपको भी यू नो आपको लगा कि उनको स्टैंड लेना चाहिए, उन्होंने दोस्ती नहीं निभाई है, तो उनकी जो दोस्ती है वो एक्चुअल में दोस्ती है, वो गेम खेल रहे, चाहे उनकी मंडली की तरफ हो या वो आपकी तरफ हो, आपको क्या लगता है? नहीं, एक्चुअली उनसे मेरा सवाल वो कैप्टनसी टास्क के दौरान था, और वो बात ये थी कि साजिद सर ने मुझे बोला कि ये लोग मुझे हमेशा बोलते हैं कि मैं गेम में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, टास्क में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, तो मैं क्यों 5वें नंबर पे नहीं जा सकता, मुझे भी 5वें नंबर पे जाना है। तो मैंने उनको बोला, सर अगर आपको जाना है तो आपको बोलना पड़ेगा ना, कोई आके आपको नहीं बोलेगा कि आप चले जाओ। और जब उन्होंने निमृत को ये बात बोली, निमृत क्योंकि साजिद सर की लिस्ट में प्रियंका का नाम था एज अ कैप्टन उस टाइम पर, और निमृत नहीं चाहती थी कि प्रियंका कैप्टन बने, तो निमृत ने साजिद सर को जाने नहीं दिया, उनको बहुत कुछ बोला कि जैसे रब दी सो आपको मत जाओ, मेरा बर्थडे है, मुझे बर्थडे गिफ्ट चाहिए। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि, और उस चीज़ को लेके साजिद सर थोड़े पीछे हट गए, फिर उन्होंने उस टाइम पे अपना स्टैंड नहीं लिया, तो उस चीज़ को लेके मुझे ऐसा लगा कि यार आप हर चीज़ में इतना साजिद सर करते हो, आप जब लो होते हो आपको साजिद सर चाहिए, आप जब खुश होते हो आपको साजिद सर चाहिए, सपोर्ट के लिए, वोट्स के लिए, नॉमिनेशन के लिए आपको साजिद सर चाहिए। अब 12 हफ्तों में वो इंसान एक बार बोल रहा है कि मेरा मन है मैं जाऊँ, तो आपको क्या इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं है कि आप उन्हें जाने दो? हो सकता है उनकी चॉइसेस अलग हो, उनके व्यूज़ अलग हो, बट उस इंसान को जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है उसको गेम तो अपना करने दो, उसकी इतनी तो रिस्पेक्ट रखो। तो मेरा सवाल वही था साजिद सर से कि सर मैं आपके लिए जहाँ पे लड़ रहा था और फिर आप खुद ही अपने स्टैंड से हट गए, तो फिर मैं आपको कैसे सपोर्ट करूँ? उससे हमारी दोस्ती पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो एक गेम का पार्ट था, वो एक टास्क का पार्ट था। वैसे अंकित, आपसे एक आखिरी सवाल है कि शिव ने एक प्रोमो के दौरान कहा था कि प्रियंका शालिन से दोस्ती इसलिए करती है क्योंकि वो उनका एलिमिनेशन का जुगाड़ है, एलिमिनेशन से बचने के लिए वो कहीं ना कहीं जैसे ही एलिमिनेट होती है तो शालिन के करीब आने लगती है, उनसे बातचीत करने लगती है, आपको क्या लगता है? आपको ऐसा लगता है कि प्रियंका को एलिमिनेशन से बचने के लिए किसी के सपोर्ट की जरूरत है? उसको पूरा घर उसके अगेंस्ट खड़ा है और वो एक माउंटेन, एक रॉक की तरह खड़ी है अकेले सबके अगेंस्ट। किसको ऐसा लगता है कि प्रियंका को किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है एलिमिनेशन या नॉमिनेशन से बचने के लिए? ये मंडली का काम है, पलटन का काम है, उसको टारगेट करने के लिए उसकी दोस्त सौंदर्य, अर्चना, वो सब मंडली का पार्ट बन गए। उस प्रियंका इज वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट एंड आई सी हर एज अ विनर ऑफ द सीजन। अंकित, एक लास्ट क्वेश्चन, इस पूरे सीजन में कहीं ना कहीं ऐसा एज अ व्यूवर आपके फैंस को लगा कि आपको काफ़ी मॉक किया गया है, चाहे वो कंटेस्टेंट के द्वारा हो या कभी कभी बिग बॉस भी करते हैं, बट जो कांस्टेंट लोगों को बहुत एक किया है वो है शिव का, आपको यू नो वो टर्म पोपट, ये जो ये वर्ड है ये बोलना, आप उस घर में थे 24 घंटा से वो चीज़ सुनता रहना, कितना इरिटेटिंग था, कैसे आपने आप खुद को संभाला? देखो, शिव का एक पैटर्न है, वो जो खुद होता है वो दूसरों पर डाल के बोलता है, जैसे कि वो मंडली का पोपट है वो चीज़ मेरे पर डाल के बोलता है। अगर और
अगर मैं अपनी दोस्ती प्रियंका के साथ निभा रहा हूँ उसके लिए वो पोपट है, और जब वही बात वो खुद करता है, मंडली की सुनता है, मंडली के साथ दोस्ती निभाता है, तो वो दोस्ती है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बड़े डबल स्टैंडर्ड्स है। और शेखर सर ने आके एक एपिसोड में ये साफ साफ किया था, जो पोपट पोपट बोलता है असली पोपट कौन है। आई नो अभी प्रियंका बहुत ज़्यादा इमोशनल होगी, बहुत मिस भी कर रही होगी, बट आई जस्ट वॉन्ट से दैट बी स्ट्रॉन्ग, डू नॉट ट्रस्ट एनी वन, प्ले योर गेम। एंड बाहर आके मैं देख रहा हूँ आप ऑडियंस का, जनता का बहुत ज़्यादा प्यार है, और जीत के ही वापस आना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।